ओके सो इस तरह का रील्स वीडियो अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आज हम सीखने वाले हैं गाइज कि इस तरह के वीडियो आप भी कैसे बना सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। तो चलते हैं और सीखते हैं। सो इसके लिए आपको चाहिए कैपकट एप्लीकेशन गाइज। तो चलते हैं और पहले हम कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप पे क्लिक करना प्लस में और अपने गैलरी से आप चाहो तो वीडियो क्लिप्स या फिर आप चाहो तो फोटो क्लिप्स भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप लोग ने देखा था स्टार्टिंग में प्रीव्यू में, वहाँ पे वीडियो क्लिप्स भी था एंड फोटो क्लिप्स भी था, तो आप चाहो तो एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ फोटो क्लिप्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फोटो क्लिप्स का ही यूज कर रहा हूँ, तो सिंपली कुछ इस तरह से फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड में गाइज, और कुछ इस तरह से आपको ऐड कर लेना। बट आप यहाँ पे क्लिक करना नीचे फॉर्मेट में एंड इसका फॉर्मेट आपको रखना 9:16 पर टैप करना, बाकी इस रेसिपी में आपका आ जाएगा। बट हाँ गाइज, आप लोग इतना फोकस करना कि जो भी आपका क्लिप रहेगा फोटो क्लिप्स, इसको पकड़ के एंड आपको मीडिया मतलब कि मेन में रखना, मतलब आपको बीच में रखना एंड इस तरह से आपको हर एक फोटोज़ में करना गाइज। बाकी अभी आप लोग यहाँ पे छोड़ दो, कुछ मत करो, सिंपली आप चलते हैं एंड पहले आप सॉन्ग को ऐड कर लेंगे। तो सॉन्ग को ऐड करने के लिए पहले आपको चलना अपने यूट्यूब में एंड आपका पे सर्च करना है कभी सॉन्ग को, जैसे कि आपको जो भी सॉन्ग चाहिए होगा तो सिंपली उस वाले सॉन्ग को यहाँ पे सर्च करना। जैसे कि हमका पे सर्च करना हमको तेरे बिना जीना सीखा ब्लैक लिरिक्स, सिंपली सर्च कर देंगे। बाकी आप जो भी सॉन्ग सर्च करोगे ना तो उस सॉन्ग के एंड में आपको बस टाइप करना है ब्लैक लिरिक्स, तो आपका हर एक सॉन्ग का इस तरह से ब्लैक लिरिक्स आ जाएगा। और इसमें से आपको जो भी पसंद आता है तो सिंपली इस वाले लिरिक्स को आप चाहो तो क्लिक करके एंड एक बार देख लेना, उसके बाद चाहो तो सिंपली इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने गैलरी में सेव कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला लिरिक्स पसंद आ गया तो सिंपली इसको हम शेयर करेंगे और पहले अपने गैलरी में सेव कर लेंगे, बाकी आप जैसे भी करते हो उस तरह से कर लेना। इसको मैंने पहले ही कर लिया। उसके बाद आपको आना अपने कैपकट एप्लीकेशन में गाइज, उसके बाद आपको हमें क्लिक करना है ऐड ऑडियो में, उसके बाद क्लिक करना अनस्ट्रक्चर्ड में, उसके बाद इस वाला सॉन्ग को अभी आपको यहाँ पे ऐड करना जो भी आप अभी डाउनलोड किए थे ना सॉन्ग, सिंपली इसमें आप टैप करना, उसके बाद क्लिक करना इंपोर्ट साउंड ओनली में, तो उस वाले लिरिक्स से आपका जो साउंड है निकल जाएगा। बाकी आज अभी आपका एक बार सुनना सॉन्ग को कि सॉन्ग में क्या क्या है और जहाँ पे भी ऐसा लिरिक्स रुकता है ना वहाँ पे आपको फोटो को चेंज करना। जैसे कि एक बार देखो कहाँ, देखो सर यहाँ पे मैंने ऑडियो को म्यूट कर दिया यार, अब देखो बिना, तो जहाँ पे भी हमारा बिना रुकता उसके बाद आपको फोटो को चेंज करना, तो इसका लेंथ हम यहाँ तक रखते हैं। तो इस तरह से क्या, जब भी आपको देखना कि कहाँ पे हमारा सॉन्ग का लिरिक्स जहाँ तक होता है, एक लिरिक्स बोलता है तो वहाँ तक आपको एक फोटो को रखना, उसके बाद आपको चेंज करना ताकि आपका सॉन्ग बीट के साथ अच्छा लगे। तो सिंपली कुछ इस तरह से आपको हर एक फोटो में हर एक फोटो का जो लेंथ है उतना करके करते जाना एंड यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद गाइस जब भी आपको चलना स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्रांजिशन में आना, जैसे कि दोनों फोटो के बीच में यहाँ पे टैप करना, आपको यहाँ पे हैंड स्नैप पर टैप करना, उसके बाद आपको एक ट्रांजिशन ऐड करना ब्लैक वाला, फेड ब्लैक वाला, तो यहाँ पे क्लिक करना फेड ब्लैक फेड में, इसमें उसका सिंपली इसको आप डन कर देना। बाकी यहाँ पे क्लिक करना अप्लाई ऑल में, तो आपके हर एक फोटो में ऐड हो जाएगा, मतलब कि आपके हर एक फोटो के बीच में इस तरह का जो फेड इफेक्ट है ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देखो। ओके बट गाइस अभी आपको आना पूरा इन में और इसका जो म्यूजिक है ना सॉन्ग जो मैं अभी हम लोगों ने ऐड किया था इसका सॉन्ग का लेंथ ज़्यादा हो गया, तो सिंपली यहाँ पे आना, उसके बाद आप क्लिक करना स्प्लिट में और सॉन्ग को जो बजा हुआ पार्ट रहेगा मतलब कि फालतू वाला पार्ट सॉन्ग था उसको हम हटा दिया। उसके बाद पूरा स्टार्टिंग में आ जाना गाइस, पूरा स्टार्टिंग में आ जाना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना ओवरले में, कहाँ गया ओवरले, यहाँ पे, तो उसमें यहाँ पे टैप करना गाइस, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना प्लस में और अपने गैलरी से ये जो ग्रीन स्क्रीन ना उसको आपका पे ऐड करना। बाकी ये जो ग्रीन स्क्रीन है ये हमारा मेन पार्ट है इस वीडियो का, तो ये मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में या फिर इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा, ताकि उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो इस वाले लिंक को, मतलब इस वाले ग्रीन स्क्रीन को एंड सेम कुछ इस तरह से आप ऐड करना डाउनलोड करके। ओके उसके बाद इसमें टैप करके इसको फुल स्क्रीन कर देना, उसके बाद अभी आपको इस वाला ग्रीन स्क्रीन में टैप करना एंड नीचे आप स्क्रॉल करना, टैप करने के बाद एंड यहाँ पे क्लिक करना कट आउट में, उसके बाद आप क्लिक करना क्रोमा की में, गाइस यहाँ पे टैप करना क्रोमा की में, उसके बाद आपका पे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन का, तो आप इसको बीच में रखना जहाँ पे आपका ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा वहाँ पे रखना, उसके बाद आप क्लिक करना इंटेंसिटी में एंड इसको बढ़ा के आपको कम से कम आपको 50 कर देना, 50 प्लस या फिर 50 जितना आपको अच्छा लगे। ओके उसके बाद सिंपली इसको आप डन कर देना गाइस, उसके बाद आप चाहो तो एक बार देख सकते हो चला करके कि अच्छा अच्छा हमारा इरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा,
उसके बाद गाइज मान लो कि इतना कुछ करने के बाद अगर आपका फोटो ऊपर नीचे हो रहा है तो आप चाहो तो फोटो क्लिप में टैप करके इसमें टैप करना और आप इसको नीचे भी कर सकते हो तो आपका मेन पार्ट मेन पॉइंट में आ जाएगा, मतलब कि जहाँ पे भी आप चाहते हो कि बीच में आए मिडिल में आए तो वहाँ पे आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप लोग एक बार देखना पूरा अच्छी तरह से फोटोज़ को कि हमारा बीच में आया कि नहीं आया है। ओके सो इस तरह से करने के बाद जब आपको देखना कि इसका जो लेंथ है कितना आपको रखना होगा, जैसे कि मैंने आपको इसका जो लेंथ है ना जो ग्रीन स्क्रीन है इसका लेंथ आपको 20 सेकंड तक दे दिया, तो आप चाहो तो आपका जितना फोटो आपका जहाँ जितना आपका रहेगा लेंथ आपके वीडियोज़ का उतना रखना, बाकी सब कट करके एंड इसको हटा देना। ओके बाकी इतना हो गया गाइज, अब चलते हैं यहाँ पे हम लिरिक्स ऐड करते हैं। तो आप क्लिक करना प्लस में ओवरले में आके ही क्लिक करना प्लस में, उसके बाद गाइज अभी आप लोगों ने जिस लिरिक्स को डाउनलोड किया था यूट्यूब से सिंपली उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना, यहाँ पे क्लिक करना एंड यहाँ पे क्लिक करना ऐड में, तो कुछ इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। बाकी गाइज इसका जो लिरिक्स है इसको आप नीचे रखना नीचे एंड यहाँ पे क्लिक करना स्प्लाइस में, लिरिक्स में टैप करने के बाद आपको क्लिक करना स्प्लाइस में, यहाँ पे टैप करना, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो फिल्टर में या फिर आप चाहो तो लाइटन में या फिर आप चाहो तो डॉज में, बट आपको क्लिक करना फिल्टर में क्योंकि सब एक ही होता है, मतलब कि आपका टेस्ट इसमें अच्छा दिखता है। इतना करके सिंपली आप छोड़ देना तो आपका टेस्ट नीचे आ जाएगा। बाकी का जितना कुछ करने के बाद आपको देखना है कि सही जगह पर हमारा बना कि नहीं बना, मतलब कि टेक्स्ट वगैरह। एंड गाइज अगर आप इसको प्ले करते हो तो आपका यहाँ पे दो दो सॉन्ग चलता है, मतलब कि जो पहले वाला सॉन्ग था जो आप लोगों ने पहले ऐड किया था वो भी चलेगा एंड जो अभी आप लोगों ने लिरिक्स ऐड किया था उसमें भी साउंड था तो वो भी चल रहा है। तो यहाँ पे एक काम करना गाइज, जो कि आप पहले ऐड किए थे उस साउंड में यहाँ पर टैप करना एंड इसको आप डिलीट करके हटा देना, तो बस आप अभी जो आप ऐड किए थे बस वही साउंड रहेगा। उसके बाद गाइज इतना करने के बाद आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करना ऊपर में एंड पहले आप इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना, यहाँ पर टैप करके एंड सिंपली इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद अभी आपका पे ग्लोइंग इफेक्ट ऐड करना है, तो थोड़ा सा रुको हमारा बस लास्ट स्टेप बचा है, उसके बाद हमारा फाइनली एडिट होके आ जाएगा कंप्लीट। ओके तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि भाई आपके लिए इस तरह से हमेशा अलग कॉन्टेंट आते रहता है, आपके लिए हमेशा ट्रेंडिंग वीडियोज़ के लिए वीडियोज़ आते रहता है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना। उसके बाद प्लस में टैप करना गाइज और अपने गैलरी से फिर से जो भी आप एक्सपोर्ट किए थे वीडियो क्लिप सिंपली इसको आप ऐड करना इस वाले को। ओके हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, अब चलते हैं गाइज और यहाँ पे हम इफेक्ट ऐड करेंगे जो कि हमारा ग्लोइंग इफेक्ट है। तो पहले आपका पे क्लिक करना है स्टार्टिंग में आके इफेक्ट्स में, उसके बाद क्लिक करना है वीडियो इफेक्ट्स में और आपका पे ग्लोइंग के लिए ऐड करना है ये वाला, कौन वाला आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं लेंस में आना पहले और यहाँ पे टैप करना एज ग्लो में, उसके बाद एज ग्लो में डबल टैप करना गाइज एंड पहले इसको आप एडजस्ट करना, तो इसका जो लेंथ है ना इसका एडजस्टमेंट आप कम रखना, जैसे कि उतना ग्लोइंग मत रखना ताकि ज़्यादा खराब दिखे, आपको कम रखना अप्रॉक्स इतना एंड सिंपली इसको आप डन कर देना 10 रख के, उसके बाद इसको घीच के पूरा इन तक कर देना एंड उसके बाद गाइज आपका फाइनली यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। स्टार्टिंग से देख लो मैंने यहाँ पे साउंड को म्यूट कर दिया क्योंकि भाई कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। बस आप लोग यहाँ पे देखो डेमो कि क्या हमारा बना है, बस मैं आपको बस एक प्रोसेस बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे आप बना सकते हो, बाकी आपको दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। मैं तो बस एक आपको हर वीडियो में सिखाता हूँ कि आप कैसे इस तरह का बना सकते हो, बाकी आप चाहो तो इससे भी एडवांस बना सकते हो आप अपना खुद का दिमाग लगा करके। एंड गाइस यहाँ पे हमारा जो सॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप चाहो तो सिंपली जितना आपका वीडियो रहेगा उतना करके एंड इसको कट कर सकते हो, यहाँ पर टैप करना कट करके इसको हटा देना। ओके फाइन इस तरह से हमारा यहाँ पे हो गया। तो ये था गाइज, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।